धरती पुत्र सबसे ज़्यादा पवित्रता से धरती से फसलें पैदा करता है, मौसम से लड़ता है, इस सारी कायनात से सीधा जुड़ा रहता है ना, उसका हम आदर करना नहीं जानते और हम कहते विश्व के गुरु बन जाएंगे। मतलब लग रहा है कि आप मेरी इस बात को बिना कट के दिखा देंगे, मुझे नहीं पता। अगर आप अगर इंडिपेंडेंट है तो है, नहीं तो जो नेशनल मीडिया इंशाल्लाह आपकी पूरी बातें दिखाई जाए। नरेंद्र ने इसी बात का फ़ायदा उठाया, मैं तो उसको 40 सालों से जानता हूँ। जब इमरजेंसी लगी 25 जून 75 की रात को, वो भागा अहमदाबाद से कच्छ भुज में और नकली सरदार जी बन गया। 19 से 21 महीने उसने सरदार बन के काटे, काश उसने सरदार के इल्म अपने जीवन में उतार लिए होते तो आज भारत का दृश्य कुछ और होता। मैं स्वामी हर्षानंद, संस्थापक योग दर्शन परमार्थिक ट्रस्ट, 64 साल की मेरी उम्र है, 42 साल से बच्चों को शरीर प्राण और विचार के मध्य संतुलन बनाना सिखा रहा हूँ। 100 में से 100 नंबर आए बच्चों के, एक भी नंबर ना कटे जी, देखिए ब्रेन को एक्टिवेशन का प्रोग्राम चलाता हूँ। दुनिया की सारी वस्तुओं की कीमत बेचने वाले तय करते हैं, धरती पुत्र की फसल की कीमत खरीदने वाला तय करता है। ये दृश्य बदलने के लिए साधु का धर्म है समाज की सोई हुई चेतना को जागृत करना। मैं 42 साल से बच्चों में और बंदियों में काम कर रहा हूँ। मेरा सपना है भारत की धरती से हर बच्चा सुंदर पिचाई बने, हर बच्चा सुंदर पिचाई बने, सुप्त विवेकानंद को जगाए, बिल गेट्स बने और दुनिया को खुशहाल बनाए, इसलिए मैं आया हूँ। आपका जो चेहरा है वो योगी आदित्यनाथ पे मिलता है। हमारा छोटा भाई है, वो गोरक्षनाथ संप्रदाय में जूना अखाड़े से हूँ। अगर हम बच्चों पे फोकस करें तो आने वाले 20 सालों में भारत दुनिया के मस्तक पर सुशोभित हो सकता है। इसके उलट अगर हम नरेंद्र अमित कंपनी बनाएंगे इस देश को, जो देश ईस्ट इंडिया कंपनी के उसी पैटर्न पे चला जाएगा, गौतम अडानी के हाथों में सौंप देगा। वो फेस है कौन? नरेंद्र मोदी। एक्चुअल बिजनेस तो गौतम अडानी चला रहा है, सारे सिस्टम पे कब्जा कर चुका है। 2000 में वो कच्छ में टेंट लगाता था, तंबू तानता था जी। 20 सालों में अच्छा ऐसा क्या करिश्मा कर दिया उसने कि सारे देश में, सारी दुनिया में उसका साम्राज्य फैल गया जी। कस्टम को चूना लगा लगा के हमारा आपका असंख्य अरबों खरबों रुपया उसने अपनी जेब में कर लिया जी। ये लड़ाई अब प्राइवेट कंपनी के खिलाफ है। अगर हमें लोकतंत्र बचाना है तो इस प्राइवेट कंपनी को खदेड़ना होगा, और उसके लिए बहुत ही मार्मिक अपील मैं देश की जनता से आज करना चाहता हूँ। कल तो आप बंद रखिए ही जी, लेकिन ये ईवीएम पे आरोप लगाना बंद करिए जी। मोबाइल से वोट, देखिए मोबाइल पैसा ट्रांसफर करता है जी, नेट बैंकिंग से, पेटीएम को यूज़ करता है, ओला उबर को बुलाता है, तो मतदान क्यों नहीं कर सकते? और जब मतदान करेंगे तो अरबों खरबों हमारा जो बचेगा, जो हिंसा मारकाट बचेगी, उसको उपयोग कहाँ होगा? समाज की बेहतरी पर ना। समाज का निर्माण कहाँ से होता है? शिक्षा के मंदिरों से, एजुकेशन। अगर हमारा एजुकेशन सही है तो हम दुनिया को मुट्ठी में कर सकते हैं। हर बच्चा सुप्त विवेकानंद को जगाए, बिल गेट्स बने तो सुंदर पिचाई तो घर घर में पैदा होगा, तो ये दुनिया कैसी बनेगी? अर्थविज्ञानी वो धुरी है जिसके आसपास सारा संसार चक्कर लगाता है, लेकिन दुर्भाग्य है कि नरेंद्र जैसे मूर्ख लोगों को हमने प्रधानमंत्री के पद पर बैठा दिया, हिंसक पशु को। उसने क्या किया देखिए आप, उसके सारे आईएएस आईपीएस जो उसको जानते सब जेलों में सड़ रहे हैं गुजरात के अंदर। गुजरात में अगर आप खेड़ू नहीं है, आज की तारीख में 370 कश्मीर से हट गया, 370 गुजरात में कायम है। मुझे आप जमीन खरीदवा दीजिए खेड़ू की, मैं खरीदना चाहता हूँ 100 करोड़ रुपए लगा के, खरीदवा दीजिए एक इंच जमीन गुजरात में जी। तो ये सरकार तो बोले कि 2022 तक आय दुगनी कर देंगे, एजुकेशन पे ध्यान देंगे और देश विकास की तरफ जा रहा है। देखिए कथनी और करनी में अंतर मेरे ख्याल से इस देश की जनता को अब समझ लेना चाहिए। अगर ये जो है जिस इस झंडे को जिन लोगों ने उठाया है ना, एक ज़माने में इन्होंने सनातन संस्कृति को बचाया था जी। जब सनातन संस्कृति नष्ट होने को थी तो पंज प्यारों के बलिदान पर यह पंथ खड़ा किया गया था। उन्होंने झंडा उठाया किसका? भारत माता का। अब आपके मन में प्रश्न आना चाहिए पंजाब और हरियाणा से क्यों उठा, क्योंकि यहाँ बल्क में गेहूँ और चावल पैदा होता है और इस पर पूरी गौतम अडानी की निगाह है। ये गवर्नमेंट को पता था, मतलब गवर्नमेंट आप कहते हो, मैं तो उसे प्राइवेट कंपनी कहता हूँ, अमित नरेंद्र कंपनी काय की गवर्नमेंट है वो? आपको मैं 4 मंत्रियों के नाम पूछूं आपको पता ही नहीं होगा कौन मंत्री है, पत्रकार है आप, उसके बाद भी पता नहीं हो, क्योंकि वो मार्केटिंग उनकी है। चंद फेस चंद चेहरे हैं जो वही चेहरे
सारा काम पीएमओ ऑफिस देख रहा है। पीएमओ ऑफिस में सारे आईएएस आईपीएस गुजरात कैडर के क्यों लगाए जा रहे हैं? डीजी राकेश अस्थाना बीएस का बना, एक क्रिमिनल माइंड आदमी है राकेश अस्थाना, मैं जानता हूं उसको पर्सनली, मैं तो पुलिस में मेरे कैंप चलते बरसों से, ऐसी कोई सेल नहीं है पैरा मिलिट्री मिलिट्री जहाँ मेरे कैंप नहीं चलते हूँ। देश के हजारों स्कूलों में मैंने प्रोग्राम दिए, मैं तो जन जन को व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ, अधिकारियों को, उनमें मेरा प्रोग्राम जाता है। क्रिमिनल माइंड आदमी है, उसको बीएसएफ का हेड बना दिया, एक कहीं भी छग में युद्ध कराएगा देख लेना, और फिर सारे आपके ये माहौल ठंडे कर देगा। हमारा पुलिस का रोज नामचा 48 घंटे पीछे चलता है, सिर्फ 48 घंटे में बड़ी सी बड़ी घटना को लोग भूल जाते हैं। 2024 में इलेक्शन आना है लोकसभा का, मैं दावा करता हूँ अगर मोबाइल से वोट आ जाए और नोटा को प्रत्याशी का दर्जा, अभी क्या है ईवीएम में नोटा लगा हुआ है, नोटा लगा हुआ है लेकिन वो विनिंग कैंडिडेट नहीं है। मान लो कहीं भी एक विधानसभा में या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में सबसे ज़्यादा वोट उसको गिर गए, क्या वो विनिंग कैंडिडेट है? क्या नहीं है, लेकिन मैंने ये दावा कर रखा है, वादा कर रखा है कि जैसे ईवीएम पे ज़्यादा वोट आया मैं पीआईएल लेके सुप्रीम कोर्ट जाऊँगा और कहूँगा कि आप इसको डायरेक्ट करिए, इलेक्शन कमीशन को बोलिए कि हटाओ इनको, जनता ने नकार दिया है ना। हमारे भारतीय जनतंत्र का स्वरूप क्या है? जनता का, जनता से, जनता के लिए। लेकिन है क्या ऐसा? आप बताइए, देश 1947 में आज़ाद हुआ, 1857 में आज़ादी का आंदोलन शुरू हुआ, 90 सालों में अनगिनत धर्मयोद्धाओं ने खून से सींचा आज़ादी को, आज़ादी आ गई क्या? चंद मुट्ठियों में कैद हो गई साहब, जस की तस है वो स्थिति किसान की, जो 1947 में खड़ा था वही आज लेके खड़ा है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस का 6% लोगों ने यूज़ किया, 94% को तो ये देते ही नहीं है। आप बताइए, धरती पुत्र सबसे ज़्यादा पवित्रता से धरती से फसलें पैदा करता है, मौसम से लड़ता है, इस सारी कायनात से सीधा जुड़ा रहता है ना, उसका हम आदर करना नहीं जानते और हम कहते विश्व के गुरु बन जाएंगे। बताइए जरा कि लोग बरगला रहे हैं, किसानों को बरगला रहे हैं, देखिए वो बरगलाएंगे ना, अरे वो तो इनको बता रहे हैं तो टेररिस्ट हैं, आतंकवादी, खालिस्तान बताएं, अरे वो सब कुछ, अरे तो ये तो उनका प्रायोजित है, पाकिस्तान जरूर आएगा इसमें, हाँ पाकिस्तान नहीं आएगा तो उनकी बात पूरी नहीं होगी ना। उन्होंने क्या कहा था, क्या नैरेटिव था? सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास है। और रात को 12:30 बजे इवेंट लगा करके नोटबंदी, मुझे तो आज तक ये समझ में नहीं आया कि मेरे जेब में 500 रुपये रखे हुए एक नंबर के दो नंबर के, अगर मैं किसी होटल पे जाऊँ, ओ क्या बोलते हैं आज के बच्चों के लिए, क्या बोलते हैं बच्चा, पिज्ज़ा बर्गर मोमोज, अगर ये लूँ वो 500 का नोट दूँ, वो मेरे से लेगा कि नहीं लेगा? तो फिर मुझे क्या बताओ एक नंबर का दो नंबर का, एक नंबर दो नंबर इन्होंने बना दिया अपनी सुविधा से। मेरा ये कहना है, क्या नोटबंदी से इन्होंने ईमानदारी से आरबीआई से ये रिलीज़ करवाया कि भाई कितने नोट हमने रिलीज़ किए तो कितने आए? आज तक हिसाब नहीं, जबकि बैंक एक ज़माने में, हमारे ज़माने में, मैं 64 साल का हूँ, 50 साल पहले 10 पैसे का हिसाब बैंक में नहीं मिलता था ना, पूरा बैंक का स्टाफ रुक जाता था, वो 10 पैसा कागज़ में कहाँ गया? यूँ तो कोई भी 10 पैसा दे देगा, लेकिन कागज़ से ढूंढना है कि कहाँ गलती हुई, तो मैनुअल पर इतना परफेक्शन था। और अब तो भाई साहब डिजिटल इंडिया है, डिजिटल तकनीक तो है ना, एक सेकंड के 1000 सेकंड बना लेती है, मिनी सेकंड, 100 सेकंड तो धावक बना लेता है। आप बताइए भारत की धरती से 100 मीटर का एक भी धावक पैदा हुआ आज तक? हुआ? कॉर्ल लुईस, हुसैन बोल्ट, बेन जॉनसन, क्यों? ट्रेनिंग। अरे साहब ट्रेनिंग दे दे, सुंदर पिचाई हमारा बच्चा 1800 करोड़ रुपए का, हमारा 5 करोड़ रुपए रोज, उसके हाथ में दे दें कि यार हमें तू ऐसा टेक्निक डेवलप करके दे दे कि हम मोबाइल से वोट कर सकें, काम खत्म। ये सारा पैसा समाज की बेहतरी पे खर्च होगा। आप बताइए, आप एक जेंटलमैन व्यक्ति लग रहे हैं चेहरे मोरे से, मतलब लग रहा है कि आप मेरी इस बात को बिना कट के दिखा देंगे, मुझे नहीं पता, अगर आप अगर इंडिपेंड है तो है, नहीं तो जो नेशनल मीडिया, इंशाल्लाह आपकी पूरी बातें दिखाई जाएंगी। आज अस्सलाम वालेकुम भाई जान, बोलो। वालेकुम सलाम। यस, तो अब मैं आपकी बात से एक नया संदेश देना चाहता हूँ, जो सबके वायरस को डिसॉल्व करके, डिमोलिश करके नया वायरस फिट करेगा। इस देश को कोई नहीं बचा सकता साहब, ये देश खंडित होगा, लिख लीजिए आप, ये देश टूटेगा, लिख लीजिए आप, गारंटी करता हूँ। इनको मैंने वायरस डाला नरेंद्र, तो मैं तो ए पढ़ रहा हूँ, ए फॉर एप्पल, वो तो जेड पढ़ रहा है, वो तो जहाँ से हम सोचना बंद करते हैं वहाँ से वो शुरू करता है। उसके बाद पैसा है ना, गौतम अडानी है उसके साथ, मैंने बांटा कि तू हिंदू, तू मुस्लिम, तू सिख, तू ईसाई, वो खुश हो गया, कौन? देश के जनमानस की, वाह। लेकिन मैंने देश को बांट दिया, ना मैं हिंदू बनूं ना तुम मुसलमान बनो,
मैं भी इंसान बनूं, तुम भी इंसान बनो, इसकी ज़रूरत है साहब जीवन के बुनियाद। अब तालियां भी बजा दी इन्होंने, देखो पहले भी तालियां बजा दी, अब भी तालियां बजा दी। अब इनको ये पता नहीं है क्या सही है और क्या गलत है। बस नरेंद्र ने इसी बात का फ़ायदा उठाया, मैं तो उसको 40 सालों से जानता हूँ। जब इमरजेंसी लगी 25 जून 75 की रात को, वो भागा अहमदाबाद से कच्छ भुज में और नकली सरदार जी बन गया। 19 से 21 महीने उसने सरदार बन के काटे। काश उसने सरदार के इल्म अपने जीवन में उतार लिए होते तो आज भारत का दृश्य कुछ और होता। बहुत बहुत धन्यवाद आपसे बात करके, बहुत अच्छा जी।